अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। फ़िलहाल सुबह का 5:02 हो रहा है और मैं देख सकते हो अभी मेरा घर का सामने और एक छोटा सा दुकान है हमारा घर के सामने देख सकते हो, और उसमें किराना का जो कुछ सामान है वो कुछ मिल जाता है। और मैं सोचा आज इस ब्लॉग में मैं अपना गाँव की कुछ कमियाँ और कुछ अच्छाई ये सब आपको दिखाऊँगा। जो कमियाँ है ये देख सकते हो, ये हमारा गाँव का जो रोड है इसका मतलब टाइल्स से बना हुआ है, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है। और सुबह के वक्त काफ़ी हरा हरा चारों तरफ आप देख सकते हो, और चिड़िया की आवाज़ किचड़ बिचुर काफ़ी खूबसूरत लगता है हमारे गांव में। अगर इस गांव की पॉपुलेशन की बात करूँ तो 3718 पॉपुलेशन है। अगर घर है, घर के बारे में बात करूँ तो 799 घर है हमारे गांव में टोटल। और वर्कर बोले तो ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी का काम करता है, और उसके अलावा मेरे जैसा नौजवान, कुछ नौजवान सब्जी का कारोबार करता है, कुछ नौजवान राजमिस्त्री करता है, और कुछ हिस्से यानी परदेश में रहता है, बाहर ही रहता है। और ये रहा हमारी भी सुबह का वक्त जो है, और आवाज़ सुन सकते हो चिड़िया की कितना खूबसूरत आवाज़ आ रहा है। अगर स्कूल की बात करूँ तो हमारे पूरा गांव में एक ही इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, और इसके अलावा दो पाठशाला है जिसमें छोटा छोटा बच्चा लोग पढ़ाई करने के लिए जाता है। और ये देख सकते हो आदर्श विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पूरा गांव में हमारा एक ही स्कूल है। और दूसरी बात, अगर दुकान की बात करूँ तो पूरा गाँव अगर घूमूंगा तो इस तरफ जो दुकान दिखाया था आपको, जिसको स्टोर बोला जाता है, इस तरह तो तकरीबन 6-7 मिल जाएगा आपको, काफ़ी अच्छा है। और आप भी आते हो हमारे गांव में कभी घूमने तो इन सब दुकान से कुछ ख़रीदारी किया करो तो अच्छा रहेगा। तो उसके अलावा जो खबरा भी वो भी मैं दिखाऊंगा। और पढ़ाई के बारे में तो जो करो स्कूल की तो काफ़ी ख़राब है, जो इंग्लिश मीडियम है थोड़ा अच्छा है, बाकी जो है काफ़ी ख़राब है मुझे जितना जानकारी है। अगर दोस्तों इस गांव की नियर बाई विलेज की बात करो, इस तरफ पड़ता है रतनपुर, बासकांदी पार्ट 1, अलगापुर, बासकांदी पार्ट 2, और उसके बाद गोविंदपुर पार्ट 2, और इसके साथ आपको बागेर इस तरफ पड़ेगा, आप सीधा देख सकते हो बागेर विलेज जो है और डूंगनी पार। इस गांव की अगर गांव पंचायत के बारे में बात करो तो ये GP आता है डूंगनी पार, और इसके अलावा स्टेट आसाम डिस्ट्रिक्ट कासार है ये गाँव। ये सुबह का मौसम काफ़ी खूबसूरत है, और ये हमारा खूबसूरत सा गाँव आप देख सकते हो। आप दोस्तों ये भी पूछ सकते हो जो हमारी गांव है कितना हेक्टेयर से फैला हुआ है। हमारा छोटा सा गांव खूबसूरत है, 297 हेक्टेयर से हमारा छोटा सा गांव इस तरह से फैला हुआ है। उसके अलावा जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं आप देख सकते हो, ये हम लोग इसी जगह पे खेती बाड़ी करते हो, इसी पे लोग ज़्यादातर जीते मरते। और इसके अलावा एक छोटा सा नदी है जिसको बराक नदी बोला जाता है। जिस नदी का बारे में मैंने बताया, फिलहाल मैं आ चुका हूँ, ये मेरे पीछे नदी देख सकते हो, काफी बड़ा नदी है। इस नदी को बोला जाता है बराक नदी, और काफी लोगों को रोजगार मिलता है इस नदी के माध्यम से। काफी लोग फिलहाल नदी में काफी मछुआरा यानी मछली मार के अपना लाइफ बिताता है इस नदी में, और इस नदी का नाम है बराक नदी। अगर दोस्तों इस गांव की लैंग्वेज के बारे में बात करो, ज़्यादातर तो बांग्ला लैंग्वेज से बात करता है, ज़्यादा नहीं पूरा लोग ही बांग्ला लैंग्वेज से बात करता है। और
अगर गांव की अच्छाई के बारे में बात करो तो सुबह का या शाम की किसी भी वक्त आप रोड पे जब चलोगे इस तरह से आप देख सकते हो लोग अपना गाय भैंस रोड पर यानी जो आने जाने का रास्ता है लोग इसी पर बांध के रखता है।